नारेबाजी की ये तस्वीरें दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के दफ्तर के बाहर की हैं। आज दिल्ली में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के दफ्तर का घेराव किया। दिल्ली और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। दरअसल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में ओबीसी आरक्षण न लागू कर मोदी सरकार ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है, यानी ओबीसी को नीट में मोदी सरकार ने आरक्षण नहीं दिया। एक तरफ मोदी ने ओबीसी कैबिनेट बनाई और दूसरी तरफ ओबीसी के आरक्षण को लागू ना करके ओबीसी का बड़ा नुकसान कर दिया। इसी के खिलाफ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के दफ्तर के घेराव का ऐलान किया था। हमारे संवाददाता रोहन कठपालिया वहां पर पहुंचे और लोगों से बात की। साथियों, आज हम खड़े हैं हयात होटल के पीछे, दिल्ली के हयात होटल के पीछे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के ऑफिस के। यहाँ आप देख सकते हैं भीम आर्मी बड़ी तादाद में जुटी है नीट के खिलाफ, ओबीसी आरक्षण हो नीट में उसके पक्ष में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ लोग जुटे हैं, 200 लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर। काफी नारे भी लग रहे हैं। भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि ने कहा कि जब तक ओबीसी की हकमारी होती रहेगी उनका आंदोलन चलता रहेगा, और उन्होंने आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन का भी ऐलान कर दिया। उसको पूर्ण तरह से जो है दोबारा लागू किया जाए, क्योंकि ये कम से कम जो है 60-70 करोड़ की आबादी, 52-54% के लोगों का मामला है ये, और आने वाली उनकी पीढ़ियों का मामला है। तकरीबन इसमें जो है कम से कम जो है 12 से 15 हजार बच्चों की जो है आने वाली जिंदगी का मामला है। इसलिए उनके भविष्य के मामले के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द जो है नीट में आरक्षण लागू करे, ओबीसी आरक्षण लागू करे, नहीं तो जो है बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहे। हम लोग अंदर भी गए, अंदर भी जो है वहाँ से हम लोगों को आश्वासन मिला है कि उन्होंने भी जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है, और सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है और उनकी बात चल रही है। तो हमारी भी यही मांग है आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से हमारी भी यही मांग है कि लोग तैयार रहें। अगर सरकार जो है मोदी सरकार झुकती नहीं है आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन नीट में आरक्षण के लिए, तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। जय। ओबीसी जो है प्रमुख रूप से वोट करता है, भाजपा का सबसे बड़ा वोटर है, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, तो क्या अभी कोई समय बाकी रह गया, उन्हें समझ क्यों नहीं आ पा रही पूरी बात? सर, समय लगता है। मनोहर काशीराम कहा करते थे ये बात कि एससीओ को 1932 में रिजर्वेशन मिला, और ओबीसी को 90 में, तो ये जो है थोड़ा सा समय लगेगा तैयार होने में, मेंटली प्रिपेयर होने में। हमारे साथ हमारे भाई हैं, हमारे प्रभारी हैं आजाद समाज पार्टी के, और उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में सभी में जो है ओबीसी वर्ग के लोग बड़ी तादाद में, गुजर, यादव, निषाद, मल्ला, ओबी ठाकुर, नाई ठाकुर बता रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं, लोग तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्द मेंटली प्रिपेयर होके और अपनी सरकार बनाने का काम करेगा, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेगा, साहू फूले पैरिया ललई की अम्बेडकर की विचारधारा को पूरा करने का काम करेगा। जय भीम। आपको बता दें कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में ओबीसी को आरक्षण न मिलने से हजारों ओबीसी कैंडिडेट डॉक्टर नहीं बन पा रहे। मेडिकल की सीटों में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा, वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और मोदी सरकार ने कह दिया कि जब तक कोर्ट इसका फैसला नहीं करता तब तक हम इस पर आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन बहुजन समाज मांग कर रहा है कि एससी एसटी की तरह ही ओबीसी समाज को भी नीट में आरक्षण दिया जाए। आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। दिल्ली से रोहन कठपालिया के साथ द न्यूज़ बीक।